दोस्तों, आज के इस दौर में तेजी से वजन का बढ़ना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में पेट बाहर आने की समस्या भी पैदा हो गई है। इसी के साथ वजन बढ़ने से कई दूसरी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से आज लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी कई बड़ी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए दोस्तों, आज हर किसी को इस प्रॉब्लम पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी को ये पता होना चाहिए कि मोटापा यानी कि पेट बाहर निकलने की असल वजह क्या है, जिससे बचकर हम इस प्रॉब्लम को होने से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज लोगों में बड़ी तेजी से हो रही है। अगर हम इन 5 गलतियों को करने से बच जाएं, तो हर कोई इस प्रॉब्लम से बच सकता है। तो दोस्तों, कौन सी है वो 5 गलतियाँ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती है जल्दी जल्दी खाना खाना। अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट से पहले खाना खा लेता है तो उसका वजन बढ़ना समझो तय है। एक रिसर्च के मुताबिक जल्दी खाना खाने वाले लोगों को हर 2 घंटे में भूख लग जाती है। ऐसे में शरीर में अधिक मात्रा में चर्बी जमा होने लगती है, जो मोटापा होने की वजह बनती है। इसलिए अपने वजन को बढ़ने से रोकने के लिए खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना बहुत ज़रूरी है। इससे खाना आसानी से पचता है और वजन बढ़ने की प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। दूसरी गलती है नाश्ता ना करना। दोस्तों, सुबह के वक्त हेल्दी नाश्ता करना शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। मगर बहुत से लोग वजन को घटाने के चक्कर में नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि सुबह नाश्ता ना करने से व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। इस तरह वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, जो वज़न बढ़ने की वजह बनती है। इसलिए सुबह नाश्ता ना करने की गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना। आज बहुत से लोग घर का खाना खाने की बजाय बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि इन प्रोसेस्ड फूड में ख़राब फैट, शुगर और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो मोटापा पैदा करने के साथ साथ और भी दूसरी बीमारियों को पैदा करने की वजह बनती है। इसलिए अगर आप अपना वज़न बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो पैकेट में मिलने वाले सभी प्रोसेस फूड के सेवन से खुद को दूर रखें। चौथी गलती है एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी में इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि लोगों को आज किसी भी काम को करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज कपड़े हाथों की जगह वॉशिंग मशीन से धुले जा रहे हैं, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सीढ़ी की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में खाए हुए खाने से मिलने वाली एनर्जी जब इस्तेमाल नहीं होती है, तो वज़न का बढ़ना तो तय हो जाता है, जिसकी वजह से पेट, जांघ और कमर के आसपास के हिस्सों पर चर्बी तेज़ी से जमने लगती है। इसलिए मोटापे से बचने के लिए अपनी डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने की आदत ज़रूर डालें। 5वीं गलती है पानी कम पीना। दोस्तों, शरीर को सही खाने के साथ साथ पानी भी सही मात्रा में मिलना ज़रूरी है। इसलिए हर किसी को रोज़ाना 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे पसीने और यूरिन के जरिए शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिलती है। साथ ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही तरीके से काम करता है, जो वज़न को बैलेंस में रखने में मदद करता है। इसके उलट अगर भरपूर मात्रा में पानी ना पिया जाए, तो शरीर से दूषित पदार्थ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में फिर वज़न बढ़ने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये थी वज़न बढ़ने और पेट बाहर निकलने की 5 सबसे बड़ी गलतियाँ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर आप इन 5 बुरी आदतों को बदल लें, तो बहुत जल्द आप अपना बढ़ा हुआ वज़न कम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।